हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छा होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है हबीब और मैं सऊदी अरब रियाद में रहता हूँ। और आज का वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ, जो लोग न्यू हाउस ड्राइविंग के लिए आते हैं और बहुत सारे भाई लोग सप्लायर कंपनी में भी आते हैं ड्राइविंग करने के लिए, तो इन लोगों का सैलरी कितना है और कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और सो गाइस, तो कोई भी मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरा लास्ट तक देखना। और जो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दबा पर क्लिक करें और मेरे वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। सो गाइस, तो सबसे पहले जो लोग सऊदी अरबिया में नया हज ड्राइविंग के लिए आना चाहता है, तो पहले इनका इंडिया में मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद इनका पूरा वीजा लग जाएगा। उसके बाद जब सऊदी अरबिया में आएगा, सऊदी में आएगा तो सऊदी आने के बाद भी मेडिकल होता है, ठीक है? तो मेडिकल होने के बाद फिर उनको लेके जाएगा दल्ला पे, जिधर ट्रेनिंग होता है लाइसेंस के लिए, जो ट्रेनिंग देता है उधर ट्रेनिंग होगा, ठीक है, लाइसेंस के लिए। जब उधर से लाइसेंस निकल जाएगा तब ड्यूटी चालू हो जाएगा। सुबह 6 बजे से ड्यूटी चालू होगा, जैसे कि सुबह 6 बजे उठोगे, बच्चे लोगों का मदरसा रहता है 6 बजे, ठीक है? तो 6 बजे बच्चे लोगों को मदरसा पे लेके जाना है और फिर वापस आना है छोड़ के, फिर जाना है 12 बजे, फिर उनको लेके आना है वापस, यही काम है। फिर बाद में के बाद फिर आपका थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है, क्योंकि मैडम लोग ज़्यादा निकलता है, ठीक है, बाहर जाता है, कभी सुपरमार्केट, कभी शॉपिंग मॉल। ये लोग ज़्यादातर सुपरमार्केट नहीं है बोले तो शॉपिंग मॉल में ज़्यादा जाता है, ठीक है, शॉपिंग मॉल, कॉफी शॉप, तो इस तरह ये लोग घूमता है, ठीक है, ज़्यादातर। अगर फैमिली छोटा है तो अच्छा है, अगर फैमिली बड़ा है तो आपका जान निकल जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है? क्योंकि फैमिली बड़ा रहेगा तो एक बार ये मैडम जाएगा, फिर दूसरी बार दूसरी मैडम जाएगा, फिर और एक जाएगा, ऐसा बोले तो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है? और इसमें जो लोग बोले तो ऐसा नया हाउस ड्राइविंग के लिए आते हैं, तो बहुत सारे भाई लोगों को रोड पता नहीं होता, ठीक है, तो वो सोचता है तो रोड मालूम नहीं है, कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने का बात नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैडम लोग बताती है, कहाँ जाना है क्या नहीं है, पूरा राइट जाना है तो राइट जाने बोलता है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाने बोलता है, सीधा जाना है तो सीधा बोलता है, पूरा सब कुछ बताता है वो लोग, ठीक है? लेकिन शुरुआत में बताएगा, फिर दूसरी बार नहीं बताएगा, ये समझ लेना, क्योंकि हर टाइम वो लोग नहीं बताता है। और इनका ये जो काम है, ठीक है, रात में ये लोग ज्यादा निकलता है, और कोई कोई मैडम निकलता है ज्यादा, कोई कोई मैडम नहीं निकलता है, दिन में निकलता है ज्यादा, ठीक है? तो ऐसा होता है। और इसमें सैलरी जो रहता है, सबसे पहले शुरुआत में जो नया ड्राइवर हाउस ड्राइविंग में आते हैं डायरेक्टली, तो इन लोगों का सैलरी 1400, किसी का 1500, किसी का 1600, ऐसा रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं रहता है। और खाना पीना वही 1500 का अंदर ही आपको खाना पड़ेगा, 300 रियाल हर महीना में खाना बोले तो खाने का पैसा चल जाएगा 300 रियाल। और जो इनकम टैक्स होगा वो सब कुछ मैडम लोग देती है उधर से, वो कपिल लोग, जो तुम्हारा जो कपिल रहेगा वो कपिल सब कुछ भरता है हर साल, वो इनकम टैक्स भरना पड़ता है 12,000 रियाल ड्राइविंग का, वो पूरा सब कुछ मैडम लोग भरता है, ठीक है, वो आपका कपिल लोग भरेगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, ये जो ड्राइविंग का जो ड्यूटी लिमिट है, इसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे एजेंट लोग इंडिया से बताता है ये 8 घंटा ड्यूटी है, ओवर टाइम भी है, ये है वो है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा बोलता है तो फालतू बोलता है, ठीक है? क्योंकि ड्राइविंग में जो हाउस ड्राइविंग का काम करते हैं, इसका कोई ओवर टाइम नहीं होता, इसमें कोई बोले तो ड्राइविंग लिमिट नहीं होता। जब कॉल आएगा आपके पास, मैडम का हो या बॉस का हो, जब भी कॉल आएगा तब तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? एक सेकंड भी लेट होगा तो आपको बोले तो बातें सुनाएगा, बहुत सारे चिल्लाएगा, बोले तो बहुत सारे बातें करते रहेगा ये लोग, ऐसा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जब भी कॉल आए तब भी जाना। अगर आप इस ड्राइविंग में आ रहा है तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता और बोलता है भाई ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। और सो गाइस, तो ड्राइविंग के साथ साथ और एक काम भी करना पड़ता है, जो मैडम लोगों का घर का अंदर जो कचरा होता है, वो खाना वाना पकाता है, जो कचरा होता है सब कुछ वो खदमा लोग किच में डाल के गेट का सामने रखता है, तो वो ड्राइवर को फेंकना पड़ता है बलदिया में, ठीक है, वो कचरा में फेंकना पड़ता है, कचरा का डब्बा में, ये काम भी करना पड़ता है। कभी कभी ये लोग बोलता है सुपरमार्केट जाओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, बहुत भगाता है, ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और कभी कभी उनका जो घर का फ्लोर है, फ्लोर भी क्लीन करवाता है, क्योंकि हर कोई मैडम, हर कोई कफिल एक जैसा नहीं है, बहुत सारे मैडम बहुत अच्छा है, ऐसा काम नहीं करवाता, लेकिन जो खड़ूस रहता है ना, जो खड़ूस मैडम रहता है, बहुत बोले तो चिड़ा हुआ रहता है हर टाइम,
ये मैडम लोग ऐसा करवाता है, क्योंकि हाथ का जो 5 उंगलियां है ना, ये बराबर नहीं है, तो वैसा ही है सेम सिस्टम। और इसमें और एक बात है, जो भाई लोग सप्लायर कंपनी में आते हैं, सप्लायर कंपनी का सिस्टम है, आप सप्लायर कंपनी में जाओगे, सबसे पहले आपका सैलरी रहेगा 1200 प्लस 200, वो 1200 1200 आपका बेसिक सैलरी रहेगा और 200 खाने का पैसा देता है, ठीक है। और जो डिप्लॉय होता है आपका, ट्रांसफर होता है, एक घर में कभी इधर से उधर डिप्लॉय करेगा, एक घर से और एक घर में डिप्लॉय करता है, ठीक है। 3 महीना के लिए डिप्लॉय करता है किसी किसी को, 2 महीने के लिए, किसी को 1 साल के लिए, ठीक है, ऐसा ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कि मेरा अभी 12 जगह ट्रांसफर हुआ हूँ मेरे, ठीक है, मैं भी सप्लायर कंपनी से हूँ, लेकिन मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ बहुत जल्दी से, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीजा ले लिया हूँ, तो वीजा पे आ जाएंगे। और ये जो सप्लायर कंपनी है उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलता है सप्लायर कंपनी अच्छा, लेकिन सप्लायर कंपनी बिल्कुल खराब है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। डायरेक्ट कंपनी में आए वो बात अलग है, अगर सप्लायर कंपनी में आओगे तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, सही टाइम पे पैसा भी नहीं मिलेगा, खाना भी बहुत खराब है कंपनी में, ठीक है, सप्लायर कंपनी में, और बहुत सारे लोग रहता है, ठीक है, सबको काम दे नहीं पाता, ये जो सप्लायर कंपनी है ना, सबको काम दे नहीं पाता ये लोग, और सही टाइम पे पैसा भी नहीं मिलता, सप्लायर कंपनी का सिस्टम ऐसा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप लोग डायरेक्ट बोले तो सप्लायर कंपनी में ना आए तो अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप डायरेक्ट घर खाता में आते हैं तो आपको बोले तो सैलरी जो भी मिलेगा धीरे धीरे बढ़ते रहता है, क्योंकि जब अगर आप पुराना हो जाओगे तो आपका सैलरी बढ़ते रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे कपिल से, आपका जो कपिल रहेगा, कपिल से बोलोगे बाबा अना फुल स्वयं ज्यादा, तो वो बोले तो आपका सैलरी बढ़ा देगा, ठीक है, ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो डायरेक्ट घर खत्म में आए, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है, कोई रिश्तेदार है, तो उनसे भी डायरेक्ट वीजा लेके आ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। और हाँ, बहुत सारे भाई लोग मेरे कमेंट पे आके कमेंट करते हैं, भाई वीजा कहाँ मिलेगा, वीजा कहाँ मिलेगा। आप लोग अगर सऊदी अरब आना चाहते हो तो डायरेक्टली जो ऑफिस है, अल नासिर ओवरसीज ऑफिस, मुंबई शांतापुर के पास, और एक है दिल्ली में, दो ऑफिस है, तो ये ऑफिस में आप लोग जाके वीजा ले सकते हो और डायरेक्टली आ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है सऊदी में तो उससे भी वीजा लेके डायरेक्टली आ सकते हो, और भी कम खर्चा में हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और आज का वीडियो यही तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस।